Hello everyone, how are you? Fine. Well, I hope your vacations must have spent very well. And with this hope, I am before you with my spoken classes. And I have already made 5 videos on a spoken class, and this is day 6. 100 videos will be made. Okay. So, in today's video, day 6 video, we will come to know how, when we are determined, when we show our intention that I will have to do this, you have to do this and you will have to do this. So, two things are different. आज के क्लास में हम लोग वैसे सेंटेंस का स्टडी करेंगे जब हम अपने डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, जब बताना चाहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, या किसी के ऊपर बोलना चाहते हैं कि तुम्हें या आपको ये काम करना होगा, ठीक ना? फाइन। तो आज की वीडियो में बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश बोलना एकदम से रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत फास्ट है, मैं बोलता हूं आसान है। कारण यह कि कुछ ट्रिक के साथ चलेंगे तो आसान है। तो सबसे पहला ट्रिक हम लोगों को ध्यान में देना है बोलने के टाइम में, कि जो भी काम कर रहा है या जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है, उसको हम ए पोजिशन डालते हैं। तो देखो, ए पोजिशन में लिखा हुआ है हमें, तुमको, उसको, मुझको, ठीक है? हिंदी पहले तो हिंदी सेंटेंस ही बनेगी ना। अब हमें की इंग्लिश क्या होती है? वी होगी। तुमको की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। यू को नहीं होगी, है ना? उसको की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी या शी होगी? ही होगी तो वो एम ही होगी मेल के लिए, और शी होगी तो एफ के लिए होगी, फीमेल के लिए। और जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, वो मुझको, आई के लिए होगा। अब इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे क्या? तो यहां देखो, ना पड़ेगा, तो ना पड़ेगा या डिटर्मिनेशन बाध्यता को शो करने वाला सेंटेंस है। देखिए, जैसे मुझको सबक सीखना पड़ेगा। देखो यहां पे देखो, मैंने बी दिया है, तो पढ़िए बी, बी में है सबक सीख, सबक सिखा, परिश्रम कर, चुनौतियों का सामना कर। तो ये कर है, सीख है, ये रूट है, इसी में आपको ऐड करना है ना पड़ेगा। तो क्या होगा? हमें सबक सीखना पड़ेगा, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा, उसे परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस बन गए, ये हिंदी वाले सेंटेंस बने। चलो एक बना के दिखा देता हूं। हमें चुनौतियों हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें है, हमें के बारे में बोला जा रहा है, ये हो गया। चुनौतियों का सामना कर और ना पड़ेगा, तो ये बी मान लो और इसको मान लो सी, है ना? हमें बी और सी, तो एबीसी से हिंदी की सेंटेंस बन गई। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या हो जा रहा है? यहां पे बी हो जा रहा है, ठीक है? चुनौतियों का सामना, तो चुनौतियों का सामना देखो क्या लिखा हो, चुनौतियों का सामना, यहां से एरो लगाया आया आया यहां पे आया, फेस द चैलेंजेस। तो उसके बाद ए के बाद बी लगाना होगा। देखो इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश के लिए देखो ब्लू बी है, विल हैव टू, वी विल हैव टू, देखो बी है ब्लू में, है ना? तो ना पड़ेगा के लिए विल हैव टू लगाना है हमें, ना पड़ेगा विल हैव टू, याद रखिएगा।
ना पड़ेगा विल हैव टू, ना पड़ेगा विल हैव टू, ना पड़ेगा विल हैव टू, ना पड़ेगा यस विल हैव टू, बिल नहीं विल हैव टू, ओके। तो ना पड़ेगा तो विल हैव टू हो गया भैया, क्या हमें ना पड़ेगा, क्या चुनौतियों का सामना, फेस द चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां, वी हैव टू फेस द चैलेंजेस, ठीक है। उसको सबक सिखाना होगा, उसको सबक सिखाना होगा। तो उसको सबक सिखाएगा कोई और, सबक सीखेगा वो, सबक सिखाना और सबक सीखना अलग चीज है। देखो सबक सीखना पड़ेगा तो सबक सीखना का यहाँ पे लर्न द लेसन है, और सबक सिखाना पड़ेगा टीच अ लेसन, तो यहाँ पे लर्न द लेसन होगा या टीच अ लेसन होगा, फाइन यहाँ पे टीच अ लेसन होना है। देखिए उसको सबक सिखाना पड़ेगा, he will have to teach a lesson, है ना आसान। ये ना पड़ेगा वाला सेंटेंस का याद रख लीजिएगा, तो will have to होगा, तो जिसको करना पड़ रहा है उसको पहले लिख दो आप, अब इसमें लगा दो सीख, पढ़, खेल, देख तो देखना पड़ेगा, पढ़ का तो पढ़ना पड़ेगा, याद तो याद करना पड़ेगा, ये ना पड़ेगा सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अब बीच में देख रहे होंगे मोटे मोटे कुछ अलग चीजें, वो क्या है, हर हाल में किसी भी कीमत पर, अगर ये दो चीजें हम जोर दे दे तो आपका सेंटेंस बहुत ही अच्छा भारी भरकम हो जाता है। तो चलो थोड़ा भारी भरकम भी सीख ले, भारी भरकम में कैसे करेंगे, हमें चुनौतियों का सामना, यहां से जोड़ दो, हर हाल में या किसी भी कीमत पर, है ना, क्या हो गया सेंटेंस आपका, हमें चुनौतियों का सामना हर हाल में करना पड़ेगा, हमें चुनौतियों का सामना किसी भी कीमत पर करना होगा, सेंटेंस बन गया ना। ठीक उसी तरह से उसे सबक सिखाना, उसे हर हाल में, यहां से जोड़ दो, सबक सिखाना होगा उसे किसी भी कीमत पर, सबक सिखाना होगा। तो थोड़ा इसलिए मैं लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये जो है ना वो लास्ट में आपको ऐड होगा, we will have to face the challenges in any condition, in any condition, ठीक है, या इसकी जगह पे अगर किसी भी कीमत पर लिखा रहा है तो एट एनी कॉस्ट हो जाएगा। उसको सबक सिखाना होगा किसी भी कीमत पर, he will have to, किसी भी कीमत पर लगा रहे हैं लोग, he will have to teach a lesson at any cost, at any cost, क्या हो गया, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है आपको, आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, ये ए बी सी और लास्ट में इंग्लिश जब बनाते समय इसको हम डी कैटेगरी में डाल देते हैं, इंग्लिश वाले को डी कैटेगरी में और ये वाला जो है इंग्लिश वाले को हम डी कैटेगरी में डालते हैं, डी का मतलब लास्ट में आएगा, ये डी कैटेगरी, इन एनी कॉस्ट डी कैटेगरी है, एट एनी कॉस्ट डी कैटेगरी है। सेंटेंस को पहले हम छोटा बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद कैसे वो एलिबोरेट होगा उसको सीख लेंगे, आप आराम से इसको जोड़ो, अलग अलग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इन सब्जेक्ट को असेंबल करो, इंग्लिश और स्पोक स्पीकिंग और मेकिंग और फ्रेमिंग सेंटेंस इज जस्ट ओनली टू असेंबल द थिंग, अगर आप असेंबल कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकेगी। ध्यान दें अपना अच्छे से, और उसके बाद जब समझ में आए अच्छा लगे तो नेक्स्ट भी काम क्या करना है वो भी पता है। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।